अभिषेक आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर क्यों। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। बीते दिनों चंद्रपुर के रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में हुई थी फायरिंग, जिसमें एक व्यक्ति था बुरखा पहने हुए। दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब जानकारी है कि शहर पुलिस ने इस तीसरे आरोपी को भी कर लिया है गिरफ्तार। बुरखा पहना हुआ चंद्रशेखर उर्फ छोटू सूर्यवंशी नामक मुख्य आरोपी को बल्लाशाह से गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता और साथ ही पिस्तौल भी कर लिया गया है जब्त। महानगर पालिका में आयुक्त राजेश मोहिते ने महापौर के लिए खरीदी 11 लाख रुपए की नेक्सा कंपनी की XL6 कार, साथ ही विशिष्ट क्रमांक के लिए चुकाए 70,000। कोरोना काल में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोरोना में उपचार के लिए ही निधि खर्चने की दी गई थी सूचना, जिसके बाद भी कोरोना के इस मुश्किल दौर में कार खरीदने पर निधि का दुरुपयोग करने की है चर्चा। तो वहीं राजेश बेले ने आरोप करते हुए जांच के साथ कार्रवाई करने की है मांग। चंद्रपुर जिला परिषद में कुल 389 पदों के लिए होने जा रही है पद भर्ती। पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने का किया गया है आवाहन, जिस आवेदन के लिए निश्चित की गई है 19 जुलाई तक की अवधि। बल्लाशाह में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला आया सामने, बहू को भी मारने की गई थी कोशिश। 4 सालों से बीमारी से त्रस्त थी आरोपी की पत्नी, जिससे तंग आकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट और कर दिया पुलिस के समक्ष सरेंडर, जिसके बाद आरोपी को लिया गया है पुलिस हिरासत में। पुणे में एक शिक्षक की काली करतूत ने किया शिक्षक का मुंह काला। 12वीं की छात्रा को मार्क्स बढ़ाने के बदले कर रहा था शरीर सुख की मांग। छात्रा ने शिक्षक की बातों को रिकॉर्ड कर किया मामले का खुलासा, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षक के ऊपर फेंकी स्याही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ वायरल। तो अब इस संबंध में शिक्षक पर की जा रही है कार्रवाई। पाथरी के निफंद्रा में सट्टा के आरोपी को मामला दर्ज ना करने के बदले में पुलिस ने मांगे 20,000। पुलिस द्वारा बार बार 20,000 की मांग से त्रस्त आकर आरोपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में की शिकायत, जिसके बाद जाल रचकर पुलिस सिपाही को 15,000 की रिश्वत लेते हुए किया गया रंगे हाथ गिरफ्तार। भद्रावती में आए दिनों सामने आ रहे हैं अत्याचार के मामले। बीते दिनों डोलारा तालाब निवासी ने एक नाबालिग पर किया था दुष्कर्म, और अब एक और मामला सामने आया है जहां रात के समय खर्रा लेने गई विवाहिता पर 40 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म करने का किया प्रयास। अंधेरे का फायदा उठाकर जबरन महिला को ले गया खेत में। महिला के चिल्लाने पर पति और बेटे के आते ही आरोपी हुआ फरार, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करते ही आरोपी को कर लिया गया है गिरफ्तार। नागपुर भंडारा रोड पर एसटी बस हुई अपघातग्रस्त। दुर्घटना में बस का आधा हिस्सा हुआ चकनाचूर, किंतु समाचार लिखे जाने तक इस हादसे में जान हानि ना होने की है खबर। ब्रह्मपुरी तहसील के एआरा में एक अपंग किसान की खेत में विद्युत करंट लगने से गई जान। 57 वर्षीय हरि गोविंदा मुर्के नामक मृतक किसान खेत में फसलों पर डालने गया था रासायनिक खाद। उसी समय कृषि पंप को विद्युत करंट पहुंचाने वाले खंभे, जो पहले से खेत में गिरे हुए थे, उन खंभों से विद्युत प्रवाह था शुरू, जिसके कारण इस किसान को गंवानी पड़ी अपनी जान। शांति तथा संयमी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाने वाले मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे की जोरदार चर्चा है शुरू। 13 राज्यों में सबसे ज्यादा दौरा करने पर मुख्यमंत्री ठाकरे बने लोकप्रिय, जिसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने ठाकरे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में भी हो गए हैं शामिल। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।